हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज इस वीडियो में हम कोम की हेल्प से वुलन जैकेट या स्वेटर बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। बहुत ही इजी है, बहुत यूनिक स्टाइल से मैं इसको बताने वाली हूँ। तो देखिए, वूल यूज़ करने वाले हैं, सीजर लेंगे, एक नीडल और कोम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने फंदे डालेंगे। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का मैं वो ले रही हूँ बॉर्डर के लिए। तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से करते हुए हम अपने फंदे डालेंगे। पहले हम लेफ़्ट टू राइट लेके गए, फिर राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, मेरे कोम में 16 टीथ हैं, तो मैंने टोटल 16 फंदे ही डालने हैं। तो जितने भी आपके कोम में या जो भी आप साइज़ बनाना चाहें उसके हिसाब से हमने यहाँ पर फंदों को लेना है। तो मैं जो ये साइज़ बनाऊँगी, ये 4 से 5 नंबर कान्हा जी को आ जाएगा। तो इससे बड़े साइज़ के लिए हम कोम में नहीं बना पाएंगे, तो हमको 2 पीस बना के उनको आपस में अटैच करना पड़ेगा। एक बारी में ये मैक्सिमम लेंथ है जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो इस तरीके से पहले मैंने बॉर्डर डाल देना है ऑरेंज कलर से। 3 लाइन्स मैंने डाल दी ऑरेंज कलर की। अब मैं अपना ब्लू कलर की वूल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो उसको इंट्रोड्यूस करूँगी। थोड़ी सी वूल स्टार्टिंग में छोड़नी है और फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करते हुए हमने अपने फंदों को डालना है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की वूल को कट नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं उसको नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए भी यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से आप अपनी ब्लू की लाइन्स भी बनाएं। एकदम ईजी मेथड है, बहुत ईजी है। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करते हुए हमने इस पैटर्न को बनाते जाना है। बहुत क्विक है, बहुत इजी है, ज़रूर ट्राई करें आप। तो इस तरीके से हमने अपनी ब्लू की लाइंस को बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हम अपने ब्लू के पैटर्न को बनाएंगे। तो बहुत इजी, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। इस बार एकदम यूनिक मेथड है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम ये जैकेट बनाने वाले हैं। आप इसको ज़रूर देखें एंड तक। इस तरीके से हमने पैटर्न को बनाना है। यहाँ पे मैं अप्रॉक्स 8 to 10 लाइंस अपनी ब्लू की बना चुकी हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से जो हमने ऑरेंज की वूल ली थी उससे मैं अब ये अपना ऑरेंज का बॉर्डर बनाऊंगी नीचे का। तो इसलिए हमने ऑरेंज की वूल कट नहीं की थी। अब हम इसकी वापस से 3 लाइंस बना लेते हैं। स्टार्टिंग में 3 बनाई थी, तो एंड में भी 3 बनाए। और इस तरीके से बनाते हुए फिर हम अपनी वूल को नॉट लगा के कट करेंगे। तो पहले हम अपना बॉर्डर बनाएंगे इस तरीके से। जितनी भी आप स्टार्टिंग में बॉर्डर की लाइंस बनाएं, उतनी ही एंड में भी बनाएं। चाहे तो 2, चाहे तो 3, चाहे तो 4, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ऊपर और नीचे का बॉर्डर सेम रखें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3-3 बनाया है। और अब मैं वापस में बैक साइड में जाऊंगी। यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में वूल छोड़ी थी उसको भी बैक साइड में लूँगी, और एंड वाली जो वूल है उसको लूँगी। आपस में मैं नॉट लगा लूँगी 3-4 टाइम्स। तो ब्लू की ब्लू के साथ और ऑरेंज की ऑरेंज के साथ इस तरीके से 2-3 टाइम्स नॉट लगा के, और फिर हम एक्सेस वूल को अपनी कट कर देंगे। और इसी तरीके से ऑरेंज कलर को भी मैं आपस में स्टार्टिंग और एंड वाली वूल को लेके नॉट लगा के और फिर कट कर दूंगी। तो देखिए, पैटर्न हमारा एकदम रेडी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का बॉर्डर बनाया है, तो ऑरेंज कलर की वूल ली है और यहाँ पे डबल डबल करके वूल ली है, नॉट लगाई है एक साइड मैंने इस तरीके से। तो सबसे पहले टॉप से बॉटम में मैंने डाला, फिर मैं बॉटम से अप डालूँगी। तो इसलिए इस तरीके से पहले ऊपर से नीचे डालना है, फिर नीचे से ऊपर डालना है अपनी नीडल को। और इसी स्टेप को रिपीट करते हुए हमने सभी लाइंस को अपना नीडल के अंदर से लेते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि हमारी सारे फंदे नीडल में आने चाहिए। तो इसलिए आप जितनी लॉन्ग नीडल लेंगे उतना आपको इजी रहेगा। तो नीचे से ऊपर डाला मैंने नीडल को, अब मेरी नीडल ऊपर आ गई, तो फिर मैं ऊपर से नीचे डालूँगी और इसी तरीके से अपने सारे मैं पैटर्न को स्टिच कर लूँगी। तो देखिए, स्टिच करना भी एकदम ईजी है। बस यही ध्यान रखना है कि हमने बॉर्डर जिस कलर का बनाया है उस कलर की आप वूल लें, और थोड़ी लॉन्ग नीडल लेंगे तो आपको इजी रहेगा।
देखिए पूरा पैटर्न मेरा स्टिच होने वाला है। इसी तरीके से हमने स्टिच करना है अपने पूरे पैटर्न को। और ये मेरी लास्ट लाइन आ गई। अब मैं इसको कोम से निकालूंगी। तो बहुत इजीली ये कोम से निकल आता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। इस तरीके से हमने इसको कोम से निकालना है। तो ये हमारा पैटर्न देखिए रेडी है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे लास्ट वाली लाइन में इस तरीके से अपनी नीडल को निकालूंगी, नॉट लगा लूंगी लूप से, और फिर मैं अपनी नीडल को कट कर दूंगी। तो जो ये मेरा पैटर्न है ये एकदम रेडी है। तो देखिए पैटर्न हमारा रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। तो देखिए ये हमारी जो है, इस तरीके से हम ये जैकेट को बनाने वाले हैं। इस तरीके से ये इसका फ्रंट पोर्शन आएगा और बैक पोर्शन इस तरीके से आएगा। तो बैक पोर्शन को क्लोज करने के लिए हम अभी एक पैटर्न और बनाएंगे। तो जो बैक पोर्शन में क्लोज करने के लिए हम अपनी पैटर्न बनाएंगे, इसमें हमको अपनी लंबाई कम रखनी है, चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पे मैं देखिए 7 फंदे लेने वाली हूँ। तो 7 फंदे लूँगी और सबसे पहले उसी तरीके से बनाऊँगी, पहले मैं अपना ऑरेंज का बॉर्डर बनाऊँगी और फिर बीच में ब्लू बनाऊँगी पैटर्न, और फिर एंड में ऑरेंज का बॉर्डर बनाऊँगी। तो पैटर्न मैं वही रखूँगी, बस यहाँ पे मैंने लेंथ कम कर दी है और विड्थ मैं थोड़ी ज़्यादा रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 4 लाइंस बना रही हूँ ऑरेंज के बॉर्डर की। तो ये मेरी 4 लाइंस हो गई। अब मैंने अपना ब्लू की वूल इंट्रोड्यूस करनी है। ब्लू की अगेन मैं 8-10 लाइंस बनाऊंगी, जितने मेरे कोम में आ जाए और बॉर्डर के लिए स्पेस बचे, क्योंकि हमको 4 लाइंस बॉर्डर की भी बनानी है। तो आप उतना ब्लू का पैटर्न उतनी बनाएं जितना आपके कोम में आ सके, और बॉर्डर का ध्यान रखें कि हमने बॉर्डर के लिए स्पेस भी छोड़नी है। 4 लाइंस हम बनाएंगे अपने ऑरेंज के बॉर्डर की, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी 4 लाइंस बनाई थी, तो हम एंड में भी 4 ही बनाएंगे। तो इस तरीके से ही हमने ऑरेंज के पैटर्न को भी बना लेना है, और फिर वापस बैक साइड में जाके नॉट्स लगा लेंगे ऑरेंज की ऑरेंज के साथ और ब्लू की ब्लू के साथ। स्टार्टिंग और एंड वाली वूल को लेते हुए 2-3 नॉट्स लगाएंगे और फिर कट कर देंगे एक्सेस वूल को। और इसी तरीके से ब्लू की भी हम आपस में स्टार्टिंग और एंड वाली वूल को लेते हुए नॉट्स लगाएंगे और कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है वो एकदम रेडी है। और अब हम इसको करेंगे स्टिच। तो अगेन डबल करके वूल को लेना है, ऑरेंज कलर की वूल ही लेनी है, बॉर्डर ऑरेंज बनाया हमने। और इस तरीके से पहले ऊपर से नीचे मैंने वूल को डाला, फिर नीचे से ऊपर डाला, फिर ऊपर से नीचे, इस तरीके करते हुए हमने अपने पैटर्न को स्टिच करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बस 7 ही फंदे हैं। तो ये बहुत क्विकली और ईजिली स्टिच हो जाता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे पैटर्न को स्टिच कर लेना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न रेडी है बैक के लिए। अब ये हमारे पास 2 पीसेज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने आपको बताया इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है और बैक साइड में हम अपना जो अभी हमने पैटर्न बनाया इसको इस तरीके से पहले अटैच करेंगे। तो हमने अपनी नीडल को लेना है और इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले अपने पैटर्न को हम स्टिच कर लेंगे उसके साथ। अच्छे से स्टिच करना है, कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए। अच्छे से हमने स्टिच कर लिया, फिर हम अपनी नीडल को लेके जाएंगे बैक साइड में और यहाँ पे हम नॉट लगा के अपनी वूल को कट करेंगे। तो हमने बैक साइड में नॉट लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे,
देखिए अब हमने क्या करना है, इस तरीके से अपने स्लीव्स के पोर्शन को स्टिच करना है, मतलब साइड से हमने स्टिच करना है, स्लीव्स की हमने स्पेस को छोड़ना है। तो क्या करेंगे, थोड़ी सी स्लीव्स की स्पेस छोड़ेंगे और साइड में स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो मैंने थोड़ा सा पोर्शन स्लीव्स के लिए छोड़ दिया ओपन, और फिर उसके स्लीव्स का पोर्शन छोड़ के नीचे की साइड में यहाँ पे स्टिच करूँगी। ऑरेंज कलर की वूल मैंने ली है, ऑरेंज ही हमको बॉर्डर पे स्टिच करना है, तो इसलिए हमने ऑरेंज कलर की या जो भी आपने बॉर्डर पे वूल ली है वो वाली वूल लेके स्टिच करें। तो इस तरीके से हमने देखिए स्लीव्स का पोर्शन छोड़ दिया और नीचे नीचे हमने साइड्स को स्टिच कर दिया। अगेन मैं बैक साइड में लेके जाऊंगी उल्टी साइड में, और यहाँ पे मैं नॉट लगा लूंगी और अपनी नीडल को एक्सेस वूल को कट कर दूंगी। तो ये हमने एक साइड को स्टिच किया है, इसी तरीके से सेम ही तरीके से हमने दूसरी साइड को भी स्टिच करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लीव्स की जगह छोड़नी है, दोनों में सेम ही पोर्शन पे आपको स्टिच करना है। स्लीव्स का पोर्शन हमको दोनों को सिमेट्रिकल रखना है, उतनी ही स्पेस देनी है और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स का पोर्शन छोड़ देना है और बाकी साइड्स को नीचे तक स्टिच करना है। तो देखिए एकदम इजी है, हमारी जो जैकेट है वुलन जैकेट है वो एकदम रेडी भी हो गई है, और बिल्कुल हमने ईजिली और क्विकली इसको बनाया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, और फिर देखिए बैक साइड में जाके मैं नॉट लगा लूँगी और अपनी नीडल को कट कर दूँगी। तो देखिए जैकेट हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब स्टार्टिंग में जो फ्रंट वाला पोर्शन है यहाँ पे आप बटन यूज़ कर सकते हैं या चिटकनी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाई करने के लिए आपको एक डोरी डालने का बता रही हूँ, जो बिल्कुल ही ईजी मेथड है यहाँ के लिए, स्टार्टिंग के लिए, फ्रंट पोर्शन के लिए। तो फ्रंट पोर्शन में अगर आप बटन लगाना चाहें या चिटकनी लगाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे इजी मेथड आपको बता रही हूँ कि हमने इस तरीके से नीडल में वूल लेते हुए इस तरीके से वूल को डालना है फ्रंट पोर्शन में टाई करने के लिए। तो दोनों को हमने इस तरीके से डाल लिया, दोनों की लेंथ को हमने सेम रखना है, थोड़ा सा रोल करना है और दोनों एंड्स को लेते हुए नॉट लगा देनी है। यहाँ पे मैंने नॉट लगा देनी है, और इसी तरीके से दूसरी वाली लेंथ भी हमने सेम रखनी है। तो इस तरीके से कट कर दिया मैंने जो एक्सेस थी, और फिर रोल करते हुए वहाँ पे भी नॉट लगा दी। तो देखिए ये इस तरीके से हम आपस में टाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो एक और लगा सकते हैं नीचे की साइड इस तरीके से डोरी, मैंने यहाँ पे एक ही लगाई है। तो देखिए हमारी वुलन जैकेट जो है वो एकदम रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।